कैसी गुजर रही है जिंदगी? बस शुक्र अल्लाह पाक अच्छी गुजार रहे हैं। इमरान खान के हाथ में होता तो शायद मर जाते। की बेचारा कर बैठा है, केड़ा गुस्सा जरे थे। नहीं देखे ना माई तरह से कौन सा मर्जी है, हमने तो मजदूरी करके खानी है, चाहे हमें ना इमरान खान ने देना है चाहे शहबाज शरीफ ने देना है, किसी ने नजरदारी किसी ने नहीं देना। बिल्कुल ठीक है, हमने खुद ही मेहनत करनी है। बिल्कुल ठीक है, जितनी करेंगे उतनी लेकर जाएंगे, नहीं करेंगे तो घर बैठे रहेंगे। इसमें इमरान खान का या नवाज शरीफ का कसूर तो नहीं है। लेकिन इनकी पॉलिसियां आप पे और मेरे पे इफेक्ट तो करती है ना यार, हुकूमती पॉलिसियां आपकी मेरी जिंदगी। ये हमारी खाली अवाम, हम कहते ना यार हम बाहर निकल जाएंगे, ये निकल हमारे निकलों में से कुछ भी नहीं होगा। ये ताजिर बाहर आएंगे तो फिर ही महंगाई, तो कमाई जा रहे हैं वो कहाँ से बाहर आएंगे, यही तो बात है ना। वो तो ताजिर तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, ये जैसे महंगाई है ये ताजिर बाहर आएंगे तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, सारे गरीब भी बाहर निकल जाएगा। जब गरीब निकलेगा गरीब की सुनी नहीं जाती। खान की पॉलिसियों से इख्तलाफ क्या है आपको, क्या गलत क्या किया इसने? इसने कोई गलत नहीं किया। हाँ। ये जो सा काम कर रहा है, हाँ। जो कुछ कर रहा है, हाँ। वो आगे निजाम इतना खराब है वो किस किस को सामनेगा, ये भी उसका कोई कसूर ना हुआ, इसका कोई कसूर नहीं। अब निजाम इतना मुल्क का खराब है, एक देखो ना एक छोटा मोटा कारोबार इंसान का खराब हो करता हो ना, आप करते होंगे तो आपका भाई जोन सा होगा ना वो आप जैसे कारोबार नहीं करेगा। हाँ। वो जोन से वादे काटे कारोबार में आपने करने उसने नहीं कर सकेगा। हाँ। ये मुल्क को चलाना वादे काटे करने फिर हिसाब से ही होना है ना, उत्ते तले करना पड़ेगा। खान कर रहे हैं उत्ते तले, उत्ते तले वो सारे उत्ते तले कर रहे हैं। चले थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है जनाब का? अब्दुल रशीद। रशीद सब क्या करते हैं? ये रक्षा चला रहे हैं सर जी, रक्षा चलाते हैं। वाह जी वाह, सारा दिन फिर लोका जंदे होवोगे, एक सवारी लाई दूजी बारी बस इसी तरह। हां जी ऐसे लोग की कहंदे रक्षा च बैठ के, खान तो सैटिस्फाइड ने के तंग ने खान तो ज्यादा तो सैटिस्फाई नहीं कोई भी नहीं, ज्यादा नहीं। क्या वजह? इसलिए कि अभी जो आप खुद समझदार हैं, जितनी महंगाई है मैंने अपनी लाइफ में पहले नहीं कभी देखी जो इस टाइम पे देख ली। ठीक है, आप जाएं बाजार में कोई मार्केट में किसी मार्केट में जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, अगर आपने को 200 या 300 रुपए की परचेज की है, अगर 1 वीक के बाद आप जाएंगे ना तो आपको 300 की नहीं मिलेगी, 500 की मिलेगी। ओके, इसलिए हम लोग इसलिए बड़े यानी मुश्किल पे, इनको चाहिए था कि पहले आवाम का ख्याल करते, गरीब आदमी का ख्याल करते। कहा तो उनके यही था ना कि तब्दीली आएगी, आवाम का ख्याल होगा। क्या ख्याल किया पता भी, हमें भी होता चले ना, क्या रिलीफ दी इसने पाए? तब्दीली तो आई ना। हाँ ये तब्दीली आ गई है कि हर आदमी चिल्ला रहा है, रो रहा है, मार रहा गरीबों को। ये आपकी बात ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को महंगाई है, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा। हाँ जी सर, ये मार्केटों में रश कहाँ से आता है यार? ये कौन लोग हैं जो इस बुरो इस महंगाई के दौर में इतने इतने बड़े बड़े? अभी तो सन्नाटे छाए हुए। नहीं आप देखो ना, अभी तो सारे सन्नाटे छाए हुए, पीछे देखो ये सन्नाटे छाए हुए यार, हर बंदा निकलता है, डेढ़ छापर चुके हैं यार। आप सारा दिन इधर गुजारे आपको पता चलेगा भाई, ये खुद वैसे अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं। विजिट की शॉप वाले से विजिट की कि आपकी जो पहले सेल परचेज किया थी अभी सेल क्या है, इससे आपको खुद अंदाजा फर्क पड़ा होगा यकीन। ये सब पता करना, उनसे जाके पूछे कि आपका जो रेंट है कितना है, आपकी प्रॉफिट क्या है, इसका कितना लॉस कितना जा रहा है, उसके पता करें आप जाकर, वो फर्क जरूर पड़ा होगा। हाँ जी ये बात है, फर्क मेरे और आपके कहने का ये बात नहीं हो सकता, मुत्तफिक हूं, सेल्स का फर्क जरूर पड़ा होगा। हाँ जी, अभी हम किसी आदमी को बोलते हैं भाई इसका जो रेंट है वहाँ जाने के लिए आपका 300 रुपया बनता है, वो लेडीज यही कहे कि कोई भी पैसेंजर ही कहेगा नहीं भाई 150 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, ये होना चाहिए। उनको बोला जी पेट्रोल भी फिर आप डलवा दो, ठीक है। हाँ तो हम तो कहते हैं अभी पेट्रोल जब प्राइस सही होगी ना फिर हमें भी, हम कम पैसे लगाओ, लोगे कम पैसे चार्ज करोगे ऑब्वियसली। अच्छा भाई साहब ये क्या लगता है, क्या पीछे बैग देखो मुंडिया देता है? सर जितना रश होना चाहिए इतना है नहीं, जितना मैं कह रहा हूँ आप सारा दिन इधर गुजार के देखें फिर आपको पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है मार्केट में। इससे भी ज्यादा रश होता, इससे भी डबल ट्रिपल रश होता, गाड़ियों की पार्किंग नहीं मिल रही थी। सीजन है सीजन है शादियों का, ये बात मेरे जहन से निकल गई थी, शादियों के सीजन है, यहाँ पे बंदे बंदा चढ़ा होता है तो फिर ये चीज देखे ना। हाँ यहाँ पर सांस नहीं आता, रश होना चाहिए तो वो तो नहीं ना मार्केट के अंदर। हाँ हाँ ये आप ठीक कह रहे हैं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक भाई। क्या बेच रहे हो? शूज़ बेच रहे हो? जूते जी। कितने बेचे सुबह से? यार एक जोड़ा दो बेचे। एक जोड़ा? हाँ। एक जोड़े मुनाफा क्या कमाया? कुछ भी नहीं कमाया, बस वैसे बैठा हुआ टाइम पास कर रहे। 500 कुछ ना कुछ तो कमाया। हाँ कुछ कुछ तो कमाया। कितना? 220 समझो। 200 जी। रोज के अगर आपके 10 जोड़े बिके तो 2000 हो गया। हाँ 2000 बिक जाते हैं, बड़ी मुश्किल से बिक जाते हैं, बड़ी मुश्किल से। हाँ जी, तो अगर 2000 रोज का कमाया तो 60,000 महीना हो गया।
वो तो है, लेकिन इधर सख्ती भी ज्यादा है, कॉर्पोरेशन वाला नहीं छोड़ रहा है। जोड़े आप लोगों को तंग करके क्या मिलता है हम लोगों को? वो तो बस उन लोगों का अपना एक सोच है ना, कुछ भी नहीं मिलता है उन लोगों को, लेकिन बस वैसा जान नहीं छोड़ रहा है हमारा, जितने भी अड्डे लगा हुआ है बस सब तंग कर रहे हैं वो लोग, सब तंग करता है जी। महंगाई है कि बस बेहतरीन चीज गुजरी जिंदगी? महंगाई है, क्यों नहीं है भाई, महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गया, हर चीज का रेट बढ़ते जा रहा है। बस कंट्रोल नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा। खान को वोट डाला था? हाँ वोट डाला। खुश हो? खुश तो नहीं हो, लेकिन गलती क्यों हुआ है? खान के नारे भी तो खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुए थे ना, केपीके वालों ने उठाया था खान। हाँ वो तो हमने वोट डाला हुआ है, लेकिन अब जो है ना हम ये गलती किया हुआ है, बड़ा गलती किया हुआ है, आइंदे के लिए उसको नहीं डालेगा। गलती का खुमियाजा भुगत रहे हैं। चले अल्लाह हाफिज़ इसके बच्चे। आमीन आमीन। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ? ਫਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ। ਜਾ ਤੇ ਵੜੀ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਵੇਖ ਆਵਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਵੜੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਫੋਟੋ ਚੱਕਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਹਲੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰੇ ਮਾਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਭੀ। ਮੁੜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਣ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ। ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਗੱਡੀ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਚਿੱਕਣ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉੱਧਰ ਦੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੈਡੀ ਤਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਭਾਈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈ। ਮੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਮੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੁੜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ? ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੈਕਟ ਲਈ ਇਹਦੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪੜੇ ਵਿਦਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। इमरान खान तो रियासत मदीना की बात करते हैं, हमारा जो मौजूदा हुक्मरान है वो तो मदीना की जबान कलामे करते हैं, अमले तौर पे नहीं करते, जबान कलामे करते हैं। अमली तौर पे कुछ नजर नहीं आया? अमली तौर पे कुछ नहीं आया जी। नजर कोई उम्मीद है कि कुछ नजर आएगा आने वाले दिनों में? पता नहीं जी, हूँ आज तक तो नहीं आया, 3.5 साल हो गया। आगे पता नहीं साल को क्या होना है, किसने होना है किसने नहीं होना। आज हम बैठे हैं, पता नहीं कल होना है कि नहीं, भूख से ही मर जाना है। अल्लाह पाक रहम करे। नहीं ऐसे जो हालात बने हुए हैं, जो आपने पाकिस्तान में गुजारी है। हाँ जी। सबसे अच्छा दौर इकतदार किसका था? सब तो अच्छा इकतदार जरा मैं अपने हिसाब न वो ज्यादा अच्छा था। ज्यादा बाबा जियाउल हक। हाँ कैसे अच्छा था वो? इस तरह अच्छा से जी, चोरा चकारियां नो डाकुआ नो ना ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਸਖਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਚੋਰ ਡਕੇਟ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸੁਨਾਟਾ ਜੈਸਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਜ਼ਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਡਕੇਟ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲਏ, ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਦੌਰ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। 2.5 ਮਣ ਦੇ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਟਾ, 5-10-20 ਰੁਪਈਏ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਲਵਾਂ 'ਚ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ 1-1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਸੌਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ? ਉਦੋਂ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਬਹਰਹਾਲ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਦੌਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਰਿਆ ਵਰਗੇ ਕਿ ਫੌਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾ ਦਈਏ ਸੀ ਜੀ? ਆ ਜਾ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ।
जमहूरियत दा रौला पाने जमहूरियत बेहतर होंदी है नहीं बेहतर तो वैसे जमहूरियत होंदी है फिर ज्यादा दौरे हुकमरानी क्यों बेहतर है ज्यादा आ गया ना जबरदस्त आ गया चलो अल्लाह पाक खुश रखे तुहानू।